और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर ने 3 लोकसभा सीट मांगी है। सुबह सपा को 1 सीट देने की चल रही बात, राजभर ने घोसी, गाजीपुर, मऊ सीट मांगी है। 3 सीटों की मांग सुबह सपा की तरफ से की जा रही है। मंत्रिमंडल में जगह पर बोले हैं ओपी राजभर, मुझे अभी कोई सूचना नहीं है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है और कहा है आजमगढ़ में आए तो वोट काटेंगे, कन्नौज में एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। सभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां और पार्टी स्तर की चुनावी तैयारियां जोरों पर है, हवाएं गर्म है और इन हवाओं की गर्मी के बीच सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तैयारियों को जान लें, आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हम अनवरत, चुनाव हो न हो, हम अनवरत पार्टी का आंदोलन चलाते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, पार्टी की विचारधारा बताते हैं और बता करके उनको फिर एक जगह बुलाते हैं और फिर उनको विस्तृत समझाते हैं हम जाकर। तो हम लोग अनवरत, जैसे कल आपने देखा कि हमको अंदाजे की 20,000 लोग कल बलिया के सिकंदरपुर में थे, परसों हम लोग मऊ में कार्यक्रम किए, आपके रतनपुरा में वहाँ भी करीब 10,000 लोग जुटे थे। तो हम लोग चुनाव की तैयारी में बराबर लगे रहते हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आपको कितनी सीटों की मांग है? देखिए, हम तो लड़ाई, हम लोग एनडीए के जितने साथी हैं सब लोग मिलकर के 80 सीट पर लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार की 40 सीट पर जो हमारा प्रभाव है, जहां हम वहां हैं। और रही हमारी खुद की बात, तो परसों हमारी मुलाकात माननीय जेपी नड्डा जी से और माननीय अमित शाह जी से हुई, तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने एक सीट की बात की, तो हमने कहा कि भेदभाव ना हो, आप अपना दल या जिस जो भी सहयोगी दल हैं आप उनसे तुलना कर लें। ओम प्रकाश राजभर वोट दिलवाने में अगर किसी से कम हो तो फिर कम कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा हो या उनसे हम कम नहीं तो फिर भेदभाव नहीं है। वो जो 3 सीटें हैं आपने जो मांगी हैं, वो बता भी सकते हैं कि कौन कौन सी सीटों पे दावेदारी? गाजीपुर, बलिया और घोसी। मांगा था सलेमपुर भी, हमारे कहा था पहले, दिया था सूची में, जौनपुर भी दिया था, बस्ती भी दिया था, तो सीटें और सूची उन्होंने जारी कर दी है। ये सीटें बची हैं, अभी घोषणा नहीं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, एक तरफ पहले ओपी राजभर 1 सीट की मांग कर रहे थे, मंत्री पद की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सहयोगियों के साथ हमारी तुलना कर लें और उसके बाद ही फैसला करें। ये उनका चुनावी प्लान बहुत कुछ इशारा कर रहा है आगे के लिए। निश्चित तौर पे दिव्या, और ये कहना गलत ना होगा कि राजभर पूरी तरह से तैयार है, बस शीर्ष नेतृत्व का इंतजार उनको है कि कब शीर्ष नेतृत्व उनको 3 सीटों की अनुमति दे। हालांकि पहले 5 सीटें भी मांग रहे थे, लेकिन जब 5 सीटों में कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए तो राजभर ने अपना प्लान बदल दिया और कहा कि अब 3 सीटों पर बात कर लीजिए और बाकी जो अन्य है, यानी अपना दल, निषाद पार्टी और जो अन्य सहयोगी दल है, उन सब के तुलना में देख ले कि ओपी राजभर किसी से कमजोर नहीं है अपने वोटों को लाने में और दिलवाने में। तो अब तुलना की बात आ गई है और देखना यह होगा कि जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो वो क्या 3 सीटों पर होता है या फिर 1 सीट पर होता है, और अगर 1 सीट पर होता है तो राजभर का फैसला क्या होता है, राजभर क्या साथ आते हैं या नाराजगी जताते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राजभर ने अपनी तैयारी 3 सीटों पर कर रखी है, वो सीटें पूर्वांचल की 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं और उसमें गाजीपुर भी एक है। अब देखना यह होगा कि गाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से उत्साहित है, और उसके अलावा पहले अगर बात करें तो उन्होंने बलिया भी मांगी थी, घोसी सीट भी इसमें खासतौर पर मायने रख रही है। घोसी सीट को लेकर भी ओपी राजभर की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं तेज है। तो अब देखना यह होगा कि जब शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है तो उसके बाद ओपी राजभर का अगला स्टंट क्या होता है, अब इस पर सबकी निगाहें हैं। दिव्या, बिल्कुल, एक तरफ अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी सीटें, कितनी सीटें उनको मिलने जा रही है नीतीश, लेकिन अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए जरूर वो नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आजमगढ़ आए तो वोट काटेंगे। देखिए दिव्या, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है ये आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश, वापस आऊंगी आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें भी चर्चाओं में चल रही हैं, ओपी राजभर अभी तक पहले 1 सीट की मांग कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि 3 सीटें उन्हें चाहिए, कब तक विस्तार संभव है और जो मांग वो रख रहे हैं क्या उसे पूरे होते देख रही हैं आप? देखिए, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनको अधिकार बनता है, वो एनडीए परिवार से जुड़े हुए हैं कि
उनकी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो एनडीए नेतृत्व के सामने रखें। अब उसमें से कितनी पूरी हो सकती है और कितनी पूरी नहीं हो सकती, इसकी चर्चा तो जो सीनियर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए परिवार के, वो ही उसके ऊपर चर्चा करके कुछ बोल सकते हैं, परंतु एक पार्टी के अध्यक्ष है तो वो अपनी बात रख ही सकते हैं। लेकिन वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि कंपैरिजन आप कर लीजिए अन्य दलों से, अपना दल से कर लीजिए और दलों से कर लीजिए, हमारा जितना प्रभाव है और सीटों पर उतना औरों का नहीं है। मैंने वही कहा ना कि अब भाई उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और उसके मुताबिक उनको दो नहीं, उनको एक नहीं, उनको तीन या चार जो भी सीटें उनको चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपनी बात जो सीनियर से बात करेंगे और आपस में बातचीत होकर जो भी फैसला है उनको भी तो यही चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार जाए। तो जो भी वो तय करेंगे, मुझे लगता है कि वो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके साथ बात करके वो तय कर लेंगे। अनिला जी, यानी कि आप लोगों को पूरा यकीन है कि जो आपके सहयोगी हैं वो एनडीए को जिताने के लिए ही काम करेंगे, आपके सब ये लोग साथ हैं? बिल्कुल। अनिला जी, लेकिन कन्नौज में जो मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है, खबरें ये भी मिल रही है, एक तरफ तो आप लोगों ने सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन अखिलेश यादव वहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, ऐसी भी खबरें? हाँ, सुना मैंने भी है, आज मीडिया में इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो अखिलेश जी जब तक स्वयं इस बात को नहीं बोल देते तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, परंतु मैं तो यही कहूंगी कि एक आसान सीट ना चुने अपने लिए, थोड़ी मुश्किल सीट चुने और सिद्ध कर दें कि वो केवल अपने जो एक जहां पर वो प्रभाव डाल सकते हैं वहीं पे नहीं, वो कोई भी किसी भी सीट पर आकर वो चुनाव जीत सकते हैं, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया कि भाई यहाँ पर अगर मैं उनकी जाति की बात करती हूँ तो वाराणसी ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जो यानी उनकी जाति बहुत ले हो। इंतजार किया जा रहा है, देखना होगा कि कब तक की दूसरी लिस्ट जारी होती है बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे से जुड़ने के लिए।